मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एनी नाम की एक लड़की को देख रहे हैं जो किसी चीज़ से डर के भाग रही थी। वो बार बार अपने घर से बाहर जा रही थी, अंदर आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अब इस बार वो दोबारा से अपने घर के अंदर जाती है और अपने फादर से कुछ भी नहीं कहती, और उनके फादर उससे कहते हैं कि बेटे क्या हुआ, तो वो अपने फादर को भी कुछ नहीं बताती। अब कुछ देर बाद एनी फिर से अपने घर से बाहर निकलती है और अपनी कार को लेकर एक किसी जगह पर चली जाती है। अब उसी रात एनी का कॉल अपने फादर को आता है और उन्हें बताती है कि मैं आपसे और मॉम से बहुत प्यार करती हूँ। अब इसके बाद दोस्तों अगले ही दिन हम एनी की डेड बॉडी देखते हैं बीच पर, जो कि शायद उसी ने मारी होगा उसे, जिससे वो डर के भाग रही थी। अब इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम जे होता है और एक का नाम केली। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। केली यहाँ पर जे से पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड अब कैसा है जिसे तुम न्यूली अब डेट कर रही हो, तो जे उसे बताती है कि वो ठीक है और अगले दिन मैं उसके साथ एक टीवी शो देखने वाली हूँ। अब यहाँ पर ये लोग रात को पार्टी कर रहे होते हैं और इसी के बाद यहाँ से दोस्तों अगला सीन आता है जहाँ पर जो जे थी वो पार्टी के लिए तैयार होती है और हम अगले ही दिन देखते हैं जे को जो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जिसका नाम ह्यूक था वो उससे मिलती है। ये दोनों एक मूवी देख रहे थे। अब मूवी का जैसे इंटरवल आता है तो ह्यूक जे से पूछता है कि क्या तुम्हें वो लड़की दिख रही है जो वहाँ पर एग्जिट पर खड़ी है, तो जे उसे मना कर देती है। जे की इस बात को सुनकर जो ह्यूक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जे को वहाँ से बाहर लेकर आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक होटल में बैठे हुए थे जहाँ पर ये डिनर कर रहे थे, और यहाँ पर हम एक अननोन आदमी को देखते हैं जो कि ह्यूक की तरफ बढ़ रहा था, और हम देखते हैं कि वो ह्यूक को ही देख रहा था। अब अगले ही पल हम यहाँ पर जे और केली को देखते हैं जो आपस में घूम रही थी और बातें कर रही थी कि उनकी जो लास्ट नाइट थी वो कैसी रही जे के साथ। अब यहाँ पर जे केली को बताती है कि ह्यूक कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसी रात जो जे है वो ह्यूक से मिलती है और ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो ह्यूक है वो जे को किडनैप करके एक अननोन प्लेस पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता और मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई थी और जिसका कर्ज था मेरे पर, अब वो कर्ज तुमको चढ़ गया है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। अब अगर तुम्हें वो कर्ज छुटाना है तो तुम्हें भी किसी और के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, और या फिर अगर तुम मर गई तो वो एंटिटी फिर से मेरे पास आ जाएगी। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तुम किसी और के साथ इंटीमेट हो जाओ। ह्यूक यहाँ पर जे को बताता है कि ऐसी कोई घबराने की भी बात नहीं है, पर बात सारी यह है कि जो एंटिटी है वो स्लो है पर वो पागल नहीं है। अब यहाँ पर ह्यूक जो होता है वो यहाँ पर उसको दिखाता है कि देखो वो खड़ी है एंटिटी और वो अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। अब यहाँ पर ह्यूक जो होता है वो जे को बाहर लेकर जाता है उस बिल्डिंग से और उसको अपनी कार में बंद करके उसके घर के पास छोड़ जाता है। अब दोस्तों उसी रात जो केली होती है वो वहाँ पर पहुँचती है और अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए पुलिस को वहाँ पर बुलाती है, पर पुलिस भी यहाँ पर ह्यूक का कोई पता नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर जो जे थी उसको जे ह्यूक का कोई भी पता नहीं था क्योंकि वो पता नहीं कहाँ पर रहता था, उसको ये तक नहीं पता था। अब अगले दिन जो जे थी उसको बहुत अजीब लगने लगा था और उसको कुछ फील होता था अपने पास सस्पिशियस सा। अब अगले दिन वो अपने बाथरूम में होती है और उसके बाथरूम में एक बॉल आकर टकराती है और हम एक वाइट ड्रेस पहने हुए एक आदमी को उसकी खिड़की के बाहर देखते हैं। अब अगले दिन यहाँ पर जे थी वो अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी और उसको बाहर सड़क पर एक अजीब सी बूढ़ी हुई औरत आती दिखती है जो उसको लगता था कि यही एंटिटी है। अब वो वहाँ से भागने की सोचती है और वो वहाँ से अपने कॉलेज से भाग रही होती है। वो एक अपने कॉरिडोर में पहुँचती है, वहाँ पर भी वो एंटिटी पहुँच जाती है। अब वो वहाँ पर दोस्तों अपने दोस्तों के पास आती है यानी कि ग्रेग के पास, उसका एक फ्रेंड था ग्रेग और वो उसे बहुत हेल्प करता था, तो वो उसको इन सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि बीती रात यानी कि एक दो या तीन रात पहले उसने एक लड़के के साथ यानी कि ह्यू के साथ इंटीमेट हुई थी और जिसके कारण वो एंटिटी थी जो उसका कर्ज था ह्यू का वो मेरे पास आ गया है और इसलिए एक एंटिटी मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो उनको सारी सिचुएशन बताती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जे यहाँ पर अपने एक दोस्त पॉल के घर ठहरने के लिए आई हुई थी। वो यहाँ पर एक नाइट एंजॉय कर रहे थे, टीवी फिल्म्स देख रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉल है उसके मन में जे के लिए कुछ फीलिंग्स थी और वो उसे प्यार करता था। अब यहाँ पर जो जे है दोस्तों उसको एक बाथरूम से आवाज़ आती है। यहाँ पर पॉल जाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब यहाँ पर जो जे है वो उस बाथरूम की तरफ जाती है तो उसको एक अजीब सी सस्पिशियस सी एक थिंग उसको फील होती है और वो देखते हैं कि एक अजीब सी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग थी वो उसकी तरफ बढ़ रही है उसे मारने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो जे है वो घबरा जाती है और पॉल की तरफ भाग दिया यानी कि अपने दोस्तों की तरफ। अभी एक रूम में बंद कर लिया था इसने अपने आप को, और जो पॉल था जैसे उसको जे की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो उस जे के पास जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ,
तो जय उसको सारे सिचुएशन के बारे में बताती है। यहाँ पर ये लोग उस जगह को लोकेशन को चेक करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। अब कुछ देर बाद यहाँ पर जय को एक टौला गाय दिखता है जो कि उसके फ्रेंड के पीछे से आ रहा था उसको मारने के लिए, पर यहाँ पर मौका देखते ही जय उस रूम से भाग गई थी। और यहाँ पर वो पॉल के घर से भी भाग जाती है और एक साइकिल लेकर एक जगह पर पहुँचती है जो कि एक पार्क था। उस पार्क में उसका एक दोस्त आता है ग्रेग और वो उसे सारे सिचुएशन के बारे में पूछता है। और यहाँ पर दोस्तों उसके कुछ और फ्रेंड्स भी आते हैं। यहाँ पर वो ग्रेग आता है और वो उसको सारे सिचुएशन के बारे में बताते हुए कहती है कि अभी अभी मैंने वही सस्पिशियस जो चीज़ थी यानी कि वो एंटिटी उसको मैंने देखा और वो मेरे पीछे मुझे मारने के लिए पड़ी हुई है। अब तुम लोग ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो उसके दोस्त थे वो बहुत ही जेन्युइन फ्रेंड्स थे उसके और उसके हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे। अब ये सारे दोस्त यहाँ पर जो ह्यूज था युग यानी कि जिसके साथ जो जे थी वो अल्टीमेट हुई थी वो लोग उस युग के घर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। अब दोस्तों ये लोग यहाँ पर इन लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा था क्योंकि जो युग था उसने अपनी आइडेंटिटी ही इन सब लोगों को अननोन बताई थी और उसकी सारी चीज़ें जो थी वो सब फेक थी। पर इसके बाद भी ये सब लोग यहाँ पर चेक करने लगते हैं तो उनको युग की एक स्कूल की फ़ोटो मिलती है। तो ये लोग उसके स्कूल में जाकर पता करते हैं युग के बारे में, जहाँ पर इन्हें पता पड़ता है कि युग का दूसरा नाम मैट है जो उसका असली नाम है। अब ये लोग दोस्तों मैट के घर जाते हैं यानी कि ह्यूग के घर और वो उससे सारे सिचुएशन के बारे में फिर से क्लियर करते हैं और वो उन्हें बताता है कि अगर तुमने किसी और के साथ करोगे इंटीमेट होगी तो वो उस पर लग जाएगा और अगर वो मर गया तो वो एंटिटी जो है वो फिर से तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो ह्यूग था उसको वही एंटिटी फिर से दिखती है और वो कहता है कि देखो वो तुम्हारे पीछे से आ रही है। अब यहाँ पर वो उन सबको ये सारी बात बताता है और इन सब लोगों को अपने साथ एक बीच पर लेकर जाता है जहाँ पर दोस्तों ये लोग यहाँ पर जे को एक शूटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि वो शूटिंग किस चीज़ की है, तो वो शूटिंग थी फायर आर्म्स की। ये लोग उसको फायर आर्म्स की यानी कि जे को फायर आर्म्स की प्रैक्टिस करवा रहे थे। अब पीछे से दोस्तों वही एंटिटी आ रही थी जो और सब लोगों को नहीं दिख रही थी, वो सिर्फ जे को ही दिखती थी, पर वो जे के पीछे आ रही थी तो उसको भी नहीं दिखी। इस बार उस एंटिटी ने जे के बाल पकड़ लेते, उसके दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एंटिटी उन सब लोगों को भी पीछे फेंक देती है। वो एंटिटी इस बार एक लड़की के रूप में आ रही थी। यहाँ पर जो जे है वो उसको शूट करने की कोशिश करती है पर वो आसानी से कैसे मरने वाली थी, तो वो फिर उठ खड़ी होती है और फिर से जे के पीछे पड़ जाती है। ये लोग एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर बाहर से ग्रेग आता है और उनको बताता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम लोग बाहर आ सकते हो। यहाँ पर फिर से हम एंटिटी को देखते हैं जो कि एक भयानक से ही रूप में आ रही थी। ये सब लोग दोस्तों वहाँ से डर के भाग जाते हैं उस रूम से और हम देखते हैं कि यहाँ पर जे ग्रेग की कार को लेकर भाग जाती है और उसके साथ उसके पीछे दोस्त भी आ रहे थे। यहाँ पर वो एंटिटी भी उसके पीछे पड़ी रही थी। अब जो इन लोगों की कार को लेकर भाग चुकी थी वो उसकी कार जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है और फील्ड में जाकर एक पोस्ट बॉक्स से टकरा जाती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन को बीच में रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मूवी आपको पसंद है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा ताकि आपका जो एंटरटेनमेंट है वो और भी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी और देरी के स्टार्ट करते हैं फिर जे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जे है वो उसको हॉस्पिटल में आ गई थी वो, तो उसका घर लाया गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रेग नाम का एक लड़का था जो कि उसका फ्रेंड था वो उसको बहुत ही पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि वो इन सब चीज़ों को सहे, तो वो उसके साथ इंटीमेट होने की कहता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ ताकि वो चीज़ मेरे ऊपर आ जाए। अब ये लोग इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम लोग अगले दिन देखते हैं यहाँ पर जे थी उसको अब कुछ भी दिखने नहीं लगा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जे से पूछती है और जे भी उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ से दोस्तों कुछ दिन और बीतते हैं और हम लोग देखते हैं कि जे को सब कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो बिल्कुल ठीक था। अब अगले उसी रात हम लोग देखते हैं कि जो जे है वो अपने एक रूम में बैठी हुई थी, विंडो से बाहर देख रही थी ग्रेग के घर की तरफ और देखते हैं कि एक एंटिटी थी जो कि ग्रेग के घर की तरफ जा रही थी। अब वो वहाँ पर देखते हैं कि वो उसका गेट खोलने की कोशिश करती है, वो गेट नहीं खुलता तो वो वहाँ पर एक शीशा तोड़ देती है उसके विंडो का और उस विंडो से अंदर चली जाती है। यहाँ पर जी जो होती है वो ग्रेग को कॉल लगाती है पर ग्रेग कॉल को नहीं पिक करता, तो वो उसके गेट को ठकठकाने की कोशिश करती है, वो गेट को भी नहीं खोलता। तो वो सोचती है कि वो जिस विंडो से वो एंटिटी अंदर गई है तो वो भी उस विंडो से जाए, तो वो देखती है कि उस एंटिटी ने उसकी मॉम का रूप ले लिया है और वो उसको आवाज़ लगा रही है। यहाँ पर जे भी ग्रेग से कहती है कि तुम बाहर मत आना, अगर तुम बाहर आए तो मरोगे, पर जे को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी और वो गेट को खोल देता है और तभी ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है जो कि एंटिटी उसको मार देती है। अब वो एंटिटी दोस्तों फिर से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब वो फिर से जे के पीछे पड़ चुकी थी। अब जे वहाँ से भागती है, एक बीच की तरफ आती है और वो वहाँ पर बीच पर कुछ लोगों को देखती है, वो उनके साथ इंटीमेट होने की सोचती है पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि पब्लिकली वो एक गलत काम था।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पॉल के घर आई हुई थी, वो उसके डोर्स को लॉक कर देते हैं ताकि वो एंटिटी अंदर ना आ सके। हम देखते हैं कि पॉल जो था वो उसको पसंद करता था तो उसके साथ इंटीमेट होने की कहता है ताकि जो वो एंटिटी थी वो भी उसके पीछे पड़ जाए, पर वो फिर भी ऐसा नहीं करते। अब हम देखते हैं कि ये लोग एक प्लान बनाते हैं, वो लोग एक पुल के पास जाते हैं और वहाँ पर जितने बिजली के सामान था वो चाहते थे कि अगर एंटिटी उस पुल के अंदर आ जाए तो वो उसको करंट लगा के मार देंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जे पानी के अंदर जाती है जैसे ही, तो उसको एंटिटी दिखने लगती है, पर वो एंटिटी चालाक थी, पानी के अंदर आ नहीं रही थी, तो वो जितना भी बिजली का सामान था उसको पानी के अंदर फेंक देती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एंटिटी भी उस पानी के अंदर आ जाती है। ये लोग उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देते हैं जिससे कि जो वो एंटिटी थी वो सब लोगों को विजिबल हो जाती है। अब पॉल एंटिटी को एक गन से शूट कर देता है जिससे वो पानी में गिर जाती है, पर वो वहाँ पर पानी के अंदर जे का पैर पकड़ लेती है। इसके बाद पॉल उसके सिर में शूट करता है जिससे कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जे थी वो पानी के ऊपर आ जाती है। अब उसको यहाँ पर एंटिटी बिल्कुल भी पानी में नहीं दिख रही थी सिवाय उस एंटिटी के खून के। हम लोग यहाँ पर दोस्तों पॉल और जे को इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पॉल जे को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ तुम्हारे मन का क्या पता वहम भी हो सकता है, तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ऊपर आए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं और यहाँ पर जो जे थी अब उसको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखने लगा था, वो पॉल से पूछते हैं और पॉल को भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। ये लोग हैप्पीली अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, पर हम इसके बाद देखते हैं कि मूवी के एंड सीन में कि जो एंटिटी थी वो इन दोनों के पीछे आ रही थी। दोस्तों मूवी जो है वो यहीं पर एंड होती है, और अगर आप लोगों को ऐसी मज़ेदार एक्सप्लेनेशन और चाहिए फ्यूचर में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।